चैप्टर 5 वैरायटी ऑफ लाइफ को हम पढ़े थे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इंट्रोडक्शन देखा था और हमने देखा था कि हम किस तरह से डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म को बायोलॉजिकली क्लासिफाई कर सकते हैं। हम डिफरेंट क्लासिफिकेशन के लेवल्स देखे थे, किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। और फिर हमने देखा था कि हम टेक्सोनोमी किसे कहते हैं, हम किस तरह से कैटेगरीज बनाते जाते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर की। नोमेनक्लेचर क्या होता है हम ये देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है, किस तरह से हम इसको क्लासिफाई करेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, और फिर हम किस तरह से उनको नेमिंग देंगे। नोमेनक्लेचर किसे कहते हैं, नेमिंग्स को कहते हैं, तो ये हम देखेंगे आज के लेक्चर के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं अपना फॉर्मल लेक्चर। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये जो हमने नाम लिखा है नोमेनक्लेचर, इस बात का मतलब क्या है। नोमेनक्लेचर क्या होता है? नोमेनक्लेचर हम कहते हैं, नोमेनक्लेचर इज अ सिस्टम ऑफ नेमिंग, सिस्टम ऑफ नेमिंग, नाम देना। डिफरेंट तरह की चीजें हैं उनको हम नाम दे दें। अब देखें कि नाम तो हमारे पास ऑलरेडी है, फिर हम अलग से नाम क्यों दें। जैसे फॉर एग्जांपल, आप जो भी चीज़ें हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, कोई ना कोई नाम तो हर चीज़ का होता है। जैसे अगर हम फूलों की बात करते हैं, हमारे पास हर फूल का नाम है, गुलाब है, चंदेली है, मोतिया है। इसी तरह हमारे पास जो बर्ड्स आ जाते हैं, परिंदे हैं, तो हर परिंदे का अपना नाम है। अगर हम खाने पीने के फ्रूट्स की बात करें, हम वेजिटेबल्स की बात करें, हम जानवरों की बात करें, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम तो प्रेजेंट है। तो फिर हम बायोलॉजी के अंदर दोबारा से नाम क्यों देते हैं? तो इस बात का जवाब आपको इस बात से मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप देखें कि एक हमारे पास है जी अनियन। अनियन किसे कहते हैं? अनियन हम कहते हैं जी प्याज को। और इसी प्याज को ही कुछ जगहों पे गांडा, कुछ जगहों पे अरेबिक में इसको हम बसल या वसल भी कहा जाता है। अब एक ही चीज के इतने ढेर सारे नाम हमने अपने पाकिस्तान में से ही निकाल लिए कि पाकिस्तान के अंदर हम एक ही चीज़ को, जो कि अनियन प्याज है, उसको हम अनियन भी कहते हैं, उसे उर्दू में प्याज भी कहते हैं, उसे गांधा भी कहते हैं, उसे अरबिक में या कुछ अपनी रीजनल लैंग्वेज में बसल भी कहते हैं, उसी को वसल भी कहते हैं। इसी तरह एक ही ऐसा ऑर्गेनिज्म है, एक ऐसे जिसे हम कहते हैं अमलतास, जो है अमलतास का ही एक और नाम जो है वो अर्गवाद भी है। इसी तरह हम गोरमाला, ये एक ही चीज़ के तीन चार नाम हैं, और तीन नाम जो भी मैंने आपको बताया। तो ये जो चीज़ें आती हैं, ये यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट करी है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास अमेरिका से एक साइंटिस्ट आया है, वो बात कर रहा है अनियन की, और यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो तो जानते हैं उस प्लांट को वसल के नाम से, तो ये तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। इसी तरह हमारा एक लोकल बंदा है जो कि वसल के नाम से जानता है उसी प्लांट को, उसी एक ऑर्गेनिज्म को, वो बसल के नाम से जानता है, वो जर्मनी में चला जाता है, वो दुनिया के किसी दूसरे मुल्क के कोने में, किसी दूसरे कोने पे चला जाता है, उसकी बात को तो दूसरे लोग समझ नहीं सकेंगे, क्योंकि एक ही वो बात एक ही ऑर्गेनिज्म की कर रहा होगा, लेकिन दूसरे लोग उसको किसी और नाम से जानते होंगे। अब इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, इस तरह की कन्फ्यूजन्स को ख़त्म करने के लिए हम एक सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, हम एक नेमिंग कन्वेंशन बना देते हैं कि तमाम दुनिया के लोग, तमाम बायोलॉजिस्ट, तमाम बॉटनिस्ट, तमाम जूलॉजिस्ट उसको एक ही नाम से जाने। अगर आपके पास अनियन है तो वो एक ही नाम से पहचाना जाए, और उसका वो जो नाम होगा वो स्टैंडर्ड होगा, वो एक दफ़ा फिक्स्ड हो गया तो वो ही रहेगा हमेशा के लिए, तमाम किताबों में, तमाम पब्लिशिंग के अंदर बोले जाने के लिए, तमाम रिसर्च के अंदर वही नाम इस्तेमाल किया जाएगा। इस चीज़ को कहते हैं नोमेनक्लेचर, सिस्टम ऑफ नेमिंग, हमने नाम दे दिया। फॉर एग्जांपल हम ब्लू बेल्स की बात करते हैं, एक पौधा है हमारे पास ब्लू बेल्स। अब पौधे तो कितने तरह के होते हैं, जिनकी शक्ल जो है वो बेल्स की तरह की होती है, तो ये तो कोई वजह नहीं। अब हम नाम देंगे इस तरह से, अगर हम ब्लैक बर्ड की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा हमारे पास है ब्लैक बर्ड,
अब ब्लैक बर्ड से आपके जहन में क्या आता है, ब्लैक बर्ड क्या होगा? कुछ लोग समझ सकते हैं कि हम जो है वो कवे की बात कर रहे हैं, क्रो की बात हो रही है। कुछ लोग कह सकते हैं कि जी ना, कवा नहीं है ये, रेवन की बात हो रही है। इसी तरह अगर हम फिश की बात करते हैं, अगर हम बायोलॉजिकली फिश को डिफाइन कर दें, साइंटिस्ट जो हैं वो जानते हैं कि फिश जो है, फिश मछली वो क्या है। वो अगर हम फिश को डिफाइन करें साइंटिफिकली, हम कहते हैं जी फिश जो है वो एक वर्टिब्रेट है। वर्टिब्रेट हमने कहा था, वर्टिब्रेट क्या होता है, अपनी जूनियर क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं। वर्टिब्रेट, इनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम होता है और कुछ और कैरेक्टरिस्टिक जो कि इनको इन वर्टिब्रेट से डिफ्रेंशिएट करते हैं, वो हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। वर्टिब्रेट है फिश, और उसके अंदर बैकबोन होती है, और जो फिश है वो फिन्स होते हैं उसके ऊपर, और गिल्स होते हैं जिसके थ्रू वो रिस्पायर करती है, फिन्स के थ्रू जो है वो स्विम कर सकती है। तो ये हमने कह दिया कि ये फिश है। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की फिशेज आ जाती हैं, जैसे फिश आ जाती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है जी सिल्वर फिश, सिल्वर फिश। फिर अगर हम कहते हैं जी क्रे फिश, फिर हम कहते हैं जी जेली फिश, हम कहते हैं जी स्टार फिश। अब ये चार ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि फिश के नाम से मौजूद हैं दुनिया में, लोग इसको इन्हीं नामों से जानते हैं, लेकिन बायोलॉजिकल डेफिनेशन जो हमने फिश की बताई कि वो वर्टिब्रेट हो, उसके अंदर बैकबोन हो, उसके अंदर फिन्स हो, गिल्स हो, तो इस अगर डेफिनेशन को हम नोट करें तो इस डेफिनेशन के अंदर ये जरूरी नहीं कि सब ऑर्गेनिजम्स आगे से आ जाएं। जैसे हम स्टार फिश की बात करें तो स्टार फिश जो है वो एक इंसेक्ट है, सिल्वर फिश जो है वो एक इंसेक्ट है। और अगर क्रे फिश, जेली फिश और स्टार फिश इन तीनों की बात करें तो ये तीनों जो हैं ये एक जो हमने डेफिनेशन बताई वर्टिब्रेट्स की, वर्टिब्रेट होना चाहिए, बैकबोन हो, फिन्स हो, गिल्स हो, तो इन तीनों के अंदर ये नहीं होती। स्टार फिश है, जेली फिश है, ये तो इन वर्टिब्रेट्स के अंदर आते हैं, हालांकि नाम तो इन सब के साथ फिश लग गया। अब ये भी प्रॉब्लम आ गया। इस तरह के तमाम प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हमारे पास साइंटिस्ट ने दिया है, बायोलॉजिस्ट ने दिया है, वो इस तरह से कि उन सब ने कंबाइन करके एक मुत्तफिका राय दी है और एक और हर ऑर्गेनिज्म का एक नाम रख दिया है। हम उन तमाम ऑर्गेनिजम्स को, जितने भी ऑर्गेनिज्म को हम दरियाफ्त कर चुके हैं, जिनको हम पढ़ चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं, अब हम उनको एक ही नाम देंगे। और ये जो सिस्टम है, ये सबसे पहले हमारे पास कार्लस लीनियस, हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम हम ऑलरेडी और भी बहुत सारी चीज़ों में पढ़ते हैं बायोलॉजी के अंदर, इनके बहुत कंट्रीब्यूशन हैं। 1707 से जी 1778 तक इनकी ज़िंदगी रही, और अपनी ज़िंदगी में उन्होंने बायोलॉजी के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को एक तो क्लासिफाई किया और इनको नाम दिए। जो कॉमन नेम थे उनको डिस्कार्ड कर दिया गया, जितने भी कॉमन नेम, जैसे कि हमने ऊपर आपको बताया अपने लेक्चर में कि क्या क्या नेम्स जो हैं वो एक ही ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट तरह के नेम्स हो सकते हैं, तो ये इस सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया और नए नाम दिए गए। वो जो नए नाम थे वो किस तरह से दिए गए, उसके लिए आपके पास इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है बायोलॉजी की, बायोलॉजिकल साइंटिस्ट की, जो के मिल के बैठते हैं और वो नाम देते हैं, जिसे हम कहते हैं, ये है हमारे पास बायनोमियल नोमेनक्लेचर, यानी कि बायोलॉजी के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को नाम देना। और ये नाम किस तरह से दिया जाता है, इस नाम को हम पढ़ते हैं। अभी जैसे हमने आपको पिछले लेक्चर के अंदर बताया था, हमने देखा था कॉर्न को, हमारे पास जो मकई है उसको हमने देखा था कि उसका नाम हमने दिया था, सबसे पहले हमने लिखा था जी जीनस, और उसके साथ हमने लिखा था स्पीशी को। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने देखा था कॉर्न को, तो कॉर्न का नाम हमारे पास क्या था, कॉर्न हमने कहा था कि जनाब वो है जी मेज। अब जी क्या है, जी इसमें जीनस है और मेज स्पीशी का नाम है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं जी अनियन की, अनियन को हमने बहुत देखा, अनियन क्या है, अनियन का जो बायोलॉजिकल नेम एक रख दिया गया है, अनियन का बायोलॉजिकल नेम है जी एलियम सेपा। अब एक चीज़ आपने नोट करनी है कि आपने जो जीनस का नेम है वो कैपिटल से स्टार्ट करना है और स्पीशी का नेम आपने स्मॉल रखना है, और इसको मोस्टली हम
इटैलिक्स में लिखते हैं, जितने भी हमारे पास बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं मोस्टली इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। एलियम सेपा जो है वो अनियन का बायोलॉजिकल नेम है। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, ह्यूमन बींग्स को क्या कहा जाता है जी बायोलॉजी के अंदर, अगर आप ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं तो किसी को क्या पता चलेगा कि जी इंसानों की बात हो रही है। इंसानों को भी एक नाम दिया जाता है जो कि है होमो सेपियंस। होमो सेपियंस, होमो जो है वो आपके जीनस का नाम है और स्पीशीज जो है वो आपकी सेपियंस आ जाती है। इसी तरह अगर हम और कुछ और एग्जांपल्स हैं, आपकी बुक के अंदर भी डिफरेंट एग्जांपल्स गिवन होंगी। पोटैटो को हम कहते हैं सोलेनम ट्यूबरोसम, सिमिलरली आपके पास डिफरेंट और ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम रोज प्लांट की बात करें या अगर हम फ्रॉग की बात करें तो इनके भी बायोलॉजिकल नेम्स हैं। जैसे हमारे पास रोज का जो है हम इसे कहते हैं रोजा इंडिका, फिर अगर फ्रॉग की बात करें तो उसे हम कहते हैं रैना टिग्रिना। तो ये जो है हमने डिफरेंट बायोलॉजिकल नेम्स देख लिए हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के, और इससे हमें पता चलता है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे से मुख्तलिफ है। किस ऑर्गेनिज्म की बेसिकली बात की जा रही है, किसके ऑर्गेनिज्म्स के बारे में कि उसको हम स्टडी कर रहे हैं। इनिशियली ये जो नाम हमने दिए हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखा जी जो कॉर्न था हमारे पास, उसको हमने कहा कॉर्न, कॉर्न को हमने कहा कि वो जी मेज है, अनियन को हमने कह दिया कि वो एलियम सेपा है, ह्यूमन बींग्स को हमने क्या कहा था, ह्यूमन बींग्स थे जो हमारे पास होमो सेपियंस, होमो सेपियंस। इसी तरह पोटैटो को हमने कहा सोलेनम ट्यूबरोसम, रोज रोजा इंडिका, फ्रॉग ट्रेना टिग्रिना। ये जो फिर नाम है शुरू शुरू में तो ये जो नाम है वो हमने दिए किस तरह से, हमने उनके स्ट्रक्चर को देखा, हमने मॉर्फोलॉजी को अपीयरेंस को यानी कि देख के नाम दिए गए जनरल अपीयरेंस के हिसाब से कि कौन से ऑर्गेनिजम्स किस तरह से देखने में के किस तरह से हैं, उनके क्या क्या फंक्शनल एक्सटर्नल इंटरनल मॉर्फोलॉजी को यानी कि हमने देखा और नाम दे दिए। लेकिन जो जो टेक एडवांसमेंट होते ही आपके पास डिफरेंट तरह से नॉलेज मजीद आता गया, तो अब जो नाम दिए जाते हैं उनके अंदर हम डिटेल में हम साइटोलॉजी को देखते हैं। साइटोलॉजी हमने कहा हम सेल्स को डिफरेंट तरह के देखते हैं कि उसके अंदर कौन से सेल्स पाए जाते हैं। हम फिजियोलॉजी देखते हैं ऑर्गेनिज्म की, हम जेनेटिक स्ट्रक्चर देखते हैं, जेनेटिक्स को हम स्टडी करते हैं। उसके अलावा हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी देखते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो ये कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं जिनको अब हम देखते हैं, इन सब चीज़ों को नोट करते हैं और फिर जाके हम क्लासीफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म को और फिर उसको एक डिफरेंट नाम दे देते हैं। तो ये तो हमारा आज का टॉपिक था जिसके अंदर हमने क्या देखा, हमने देखा कि हम बायोलॉजी के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के नामों को किस तरह से देखते हैं, क्यों नाम देते हैं, नाम कहाँ से आते हैं। एक तो ये हमने देखा कि प्रॉब्लम क्या था हमारे पास, क्यों नाम दिए जाते हैं, और फिर हमने देखा कि हमारे पास क्या एक फॉर्मेट है नाम देने का। हमने आपको बताया कि पहले जीनस लिखना है, फिर स्पीशी का नाम लिखना है, लिखते हुए आपने इसको डायलेक्स में लिखना है, जीनस का नाम स्मॉल से और जीनस का कैपिटल से, और जो स्पीशी का नाम है वो आपने स्मॉल से लिखना है। और डिफरेंट कुछ एग्जांपल हमने डिस्कस किए हैं नामों की डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के जो कि मोस्ट कॉमनली यूज किए जाते हैं, और फिर हमने आपको बताया कि किस तरह से नाम दिए जाते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को, क्या क्या चीज़ें हैं जिनको हम कंसीडर करते हैं और फिर हम नाम देते हैं। तो ये तो हमने कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया अपने फिफ्थ चैप्टर का। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम किंगडम सिस्टम क्लासीफाई करेंगे, हम उसको स्टडी करेंगे। हमारे पास डिफरेंट तरह के किंगडम सिस्टम हैं, डिफरेंट मॉडल्स हैं, जो जो वक्त गुजरता गया हमारे पास डिफरेंट तरह के नॉलेज के साथ साथ हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेशन आती गई। जैसे हमने कहा हमारे पास पहले जो है वो टू किंगडम सिस्टम था जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स थे, इसके बाद हमारे पास किंगडम सिस्टम की बात हम कर रहे हैं। पहले जो है वो हमारे पास टू किंगडम सिस्टम था, फिर उसके बाद हमारे पास फाइव किंगडम सिस्टम आ गया। इन तमाम चीज़ों को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे और हम देखेंगे डिटेल के अंदर एक एक किंगडम, पूरे किंगडम सिस्टम को स्टडी करेंगे, उसके अंदर आने वाले ऑर्गेनिजम्स को देखते जाएंगे।
और अब कौन सा सिस्टम फॉलो होता है उसे भी हम डिटेल में देखेंगे। तो ये तो है हमारा नेक्स्ट लेक्चर।